Hello everyone, praise the Lord. Very good morning. I'm happy that God has brought us together to meditate His word today. हाय हेलो नमस्ते नमस्कार, आत्मिक नाश्ता में आप सभी को स्वागत है। आज भी हम सेंट पॉल ने लिखे रोमियों के पुस्तक तीसरा अध्याय उसमें 26 वचन को ध्यान करने वाले हैं। और यह वचन ऐसा लिखा है कि उसने इस युग में अपनी धार्मिकता का प्रमाण देना चाहा, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि वह स्वयं धार्मिक है और उन सबको धार्मिक ठहराता है जो यीशु में विश्वास करते हैं। आदि काल में मनुष्य के क्रिये के अनुसार उन पर कृपा या करुणा प्रकट नहीं किए, इसलिए वो आदरण नहीं कर रहे। मनुष्य जब बलि देने लोग तब वो उनके पाप को माफ करने लगे, पर जब मनुष्य अक्सर पाप करने लगे तब ईश्वर अपने पाप को बलिदान बनकर हम सबको पाप से छुटाकर किया। पहले मनुष्य बैल कबूतर आदि को बलिदान देते थे, पर पाप पूर्ण से नहीं मिटा देती। पर जब यीशु ने अपने को बलिदान के रूप में दिए, तब से हम सब पर प्रभु की कृपा और दया आ गई है। हमारी सारी पाप से हम छुटकर पा चुके हैं, इसलिए हम सब हमारे पाप को अधिकार करके यानी कन्फेस करके यीशु पर पूरा विश्वास करते से हमारा छुटकारा हो जाती है। यीशु क्रूस पर उनकी लहू को हम सब के लिए देने के कारण हम सब पाप से मुक्त हो गए हैं। हमारे मुक्त के लिए आदिकाल के लोग के जैसे हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ यीशु पर विश्वास करना है। दोस्तों, हम ऐसा करने से ही हमारे लिए यीशु सब कुछ कर चुके हैं। यीशु हमारे लिए जीवन दिया है, इसलिए हम सिर्फ यीशु पर भरोसा रखना चाहिए और यीशु पर विश्वास करना चाहिए। इस वचन सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीर्वाद दें।